हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं, यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज किए जाते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। मैं कोई पर्टिकुलर आर्किटेक्चर या कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर्स या प्रोसेसर्स को फॉलो नहीं करूंगा, आई विल टॉक इन जनरल। सो इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली क्या है? तो इंस्ट्रक्शन के टोटल तीन टाइप्स है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेजर, यानी कि मेजर क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी इंस्ट्रक्शन की, लेट अस डिवाइड इन सच अ वे। सो इंस्ट्रक्शन की फर्स्ट कैटेगरी है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। सपोज आपने देखा होगा अभी एड्रेसिंग मोड के वीडियोस में कि हमें मेमोरी से सीपीयू में और सीपीयू से मेमोरी में रजिस्टर टू मेमोरी और रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर करना होता है डेटा का। तो ये सारा ऑपरेशन जो होता है वो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में परफॉर्म होता है। तो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस एक्चुअली क्या है, मैं आपको विजुअलाइजेशन से एक्सप्लेन करता हूँ। सो व्हाट आर डेटा ट्रांसफर? सपोज आपके पास एक मेमोरी है, लाइक वी हैव वन मेमोरी, और ये मेमोरी में से मुझे डेटा ट्रांसफर करना है एक सीपीयू में। सो आई विल हैव हियर सीपीयू, और ये सीपीयू में कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स है। सो सपोज मुझे मेमोरी से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है या फिर रजिस्टर से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है, तो इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मुझे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस चाहिए। तो ये था फर्स्ट कैटेगरी। और नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन। ओके, व्हाट इज मैनिपुलेशन? एक्चुअली मैनिपुलेशन क्या होता है? सपोज मैं आपको एक दो नंबर्स देता हूँ, तो आप उसको एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। यानी कि व्हाट आर द, कोई भी डेटा में जो चेंजेस किए जाते हैं, एक्चुअल जो डेटा हमारे पास है और उसमें जो चेंजेस किए जाते हैं उसको हम वर्ड दे देते हैं मैनिपुलेशन। सो डेटा मैनिपुलेशन की कुछ तीन कैटेगरीज है, वी हैव थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट डेटा मैनिपुलेशन एक्चुअली क्या है? डेटा मैनिपुलेशन में टोटल तीन कैटेगरीज है, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी रहेगी एरिथमेटिक टाइप। ओके, एरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास है एरिथमेटिक, और इसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। एंड नेक्स्ट वन इज लॉजिकल। ओके, लॉजिकल में क्या होगा? इट विल बी बिटवाइज और एंड और इस तरह के ऑपरेशन। सो वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल दैट ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद की सारी वीडियो में मैं वन बाय वन सारी कैटेगरीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो दिस इज लॉजिकल, एंड द थर्ड वन इज शिफ्ट ऑपरेशन। ओके, ये तीन तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपको जो इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है वो है डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा था, थर्ड कैटेगरी इज जस्ट लाइक अगर आपको कोई प्रोग्राम कोड दिया गया है और कोई इंस्ट्रक्शन है पर्टिकुलर, तो वो इंस्ट्रक्शन को आपको रन करवाना है मल्टीपल टाइम्स, या फिर कोई कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद रन करवाना है, या फिर उसको रन नहीं करवाना है। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इस तरह के स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बेसिक क्या यूज करते हैं हम, दे आर इफ एल्स व्हाइल फॉर। सो ये हम सी प्रोग्राम एंड ऑल इसमें यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए वो है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस का यूज करके हम ये सारे ऑपरेशंस का को परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी डिस्कस टोटल ऑफ थ्री कैटेगरीज, हमने टोटल तीन कैटेगरीज का डिस्कस किया। फर्स्ट कैटेगरी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस जिसमें हमारे पास है मेमोरी रिलेटेड यानी कि ट्रांसफर ऑपरेशंस, नेक्स्ट वन इज डेटा मैनिपुलेशन, एंड थर्ड वन इज प्रोग्राम कंट्रोल। सो ये तीनों कैटेगरीज कोई भी बेसिक प्रोसेसर में जरूरी है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में ये तीनों का होना जरूरी है। बिकॉज अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ से होगी, मैनिपुलेशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ से होगी, एज वेल एज अगर कंट्रोल फंक्शंस यूज करने हैं तो यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शंस होगी। सो दिस आर वेरी बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोसेसर। सो इसके बाद की वीडियोस में वन बाय वन सारे
टाइप्स को मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।